हेलो, आपके इस वीडियो सीरीज के सेकंड सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। ये जो हमने वीडियो सीरीज बनाई है, ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो लोग जानना चाह रहे हैं। डेयरी फार्मिंग में लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे सवाल थे, लोगों के मन में बहुत 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 सारी शंकाएं डाउट थी जो वो लोग जानना चाह रहे थे डॉक्टर सर से। तो लोगों के जो सवाल थे, मैं आपको बताता हूँ कि उस वीडियो के बाद बहुत सारे मुझे फ़ोन आए और लोगों का बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग में आना चाह रहे हैं, और लेकिन उनके मन में जो डाउट है, क्या डेयरी फार्मिंग एक सस्टेनेबल बिजनेस है, क्या इसे लंबे समय तक किया जाता जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जितने भी डेयरी फार्म शुरू होते हैं उसमें से 90-95% डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। तो जो लोग इसमें आना चाह रहे हैं, उनके मन में ये डाउट है, क्या वो अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो क्या उनका डेयरी फार्म सक्सेसफुल हो सकता है या होगा, अगर हो सकता है तो उसकी उस वो किस तरीके से हो सकता है, वो जानना चाहते हैं। हाँ, तो प्रदीप जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और यह हरिद्वार से है और हम मथुरा से, तो दोनों ही धर्म की नगरी है। तो मैं सुबह सुबह आपको सत्य वचन बोलूँगा। पहली बात तो ये है कि डेयरी फार्मिंग डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है। जैसे आनंद में है, अगर आप आनंद में डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप अगर 50 लाख रुपये लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ रुपये, अगर आप दूध उनको दे रहे हैं तो वो दूध पर बोनस देती है, और अगर आपका जानवर बीमार हो गया तो वहाँ से वो जो है आप 140 रुपये जमा कर दिए, डॉक्टर आते सब ठीक है। हर एक स्टेट का अलग अलग है। अगर आप गोवा में चले जाइए तो वहाँ दूध बहुत कम पीते हैं लोग, पर गवर्नमेंट इंसेंटिव देने के लिए जो आप दूध दे रहे हैं उसका जो है वो 10 रुपये और गवर्नमेंट। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा शुरू किया है, उत्तराखंड में 4 रुपये 4 रुपये दे रहे हैं, वहाँ पे 10 रुपये और दे रहे हैं, गाय में भी 40% सब्सिडी दे रहे हैं। तो स्टेट स्टेट पे है। आप जैसे पंजाब में देख लीजिए, हमारे एक सरदार जी आए थे ट्रेनिंग पे, तो हमारे पास कुछ दवाई थी तो हमने दवाई शिपिंग के लिए उनसे कहा, तो कह रहे थे अब तो नेस्ले कंपनी है वहाँ पे, वो सारी दवाई भी देती है, सीमेंट भी देती है। आप वो फिर आप उत्तराखंड में चले आइए तो उत्तराखंड में दूध बाहर से आता है, तो यहाँ भी काफी इंसेंटिव है। पर जैसे जैसे अमूल है, उसका तो 86 लाख लीटर लीटर की आनंद में 3 साइलो है, 86 लाख लीटर मिल्क, तो वो तो गाड़ी की गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी भरे तो उसमें उनको काफी फायदा होता है, फायदा होता है, उसको फ्रेश बैक करते हैं। अच्छा, अब वो बिहार की बात सुन ली, बिहार में भी काफी क्रांति आ गई है कोविड के बाद से। अभी मेरे पास एक साहब ट्रेनिंग में आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहते हैं पंजाब से गाय तो खरीदी 10 बार है, करीब 15-20 लाख की गाय खरीदी होंगी। तो उसके साथ साथ जो वहाँ पे उनका लेबर था वो बिहारी था, वो लेबर को भी ले आए वहाँ से बिठा के और लेबर बड़ी खुशी खुशी आ गया, क्योंकि अपने घर पे रहना चाहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार में, झारखंड में, यहाँ पे भी जो लेबर भाग गई थी अब वो लौट के आ गए, वो पंजाब में ट्रेन तो हो गए, गाय को क्या कैसे रखना है, क्या खिलाना है। तो जब वो वहाँ कोई गाय खरीदने जाता है तो लेबर भी उससे कहता रहता है कि साहब अब भी चले चले आपके सजाओ आपका गाय देखिए। ये मैं आपको बता, यूपी में ऐसा है कि भैंस ही भैंस है, यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भैंस ही भैंस है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा उनका काम जो है, मतलब वर्ल्ड भर में जो भैंस जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वहाँ पे होती है आपके हरियाणा में, और 2 लाख की तो है ही भैंस, क्यों भाई 2 लाख की है अगर आपको कोई अच्छी भैंस चाहिए तो 2 लाख की, और अच्छी भैंस तो 5-5 लाख की। तो सारे संसार में भैंस जो है हरियाणा से ही जाती है, और भी भैंसे हैं पर वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है जितनी जो मुर्रा है, ये वाटर बफेलो प्रोडक्टिव है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे, इस पर भी डिपेंड करता है कि चारा आपके घर का हो रहा है या आप चारा मोल ले रहे हैं। जैसे हम प्रदीप जी तो चारा उसका लेते हैं, मतलब साइलेज भी लेते हैं, भूसा भी लेते हैं, सब चीज लेते हैं। फिर लेबर लेबर आपको अवेलेबल है या नहीं, लेबर की विशेष इसमें दिल्ली वैली में तो लेबर मिल जाता है, 20,000 रुपये में लेबर मिलता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप 1-2 गाय नहीं रख सकते, आप कम से कम 100 लीटर दूध पैदा करिए तभी डेयरी शुरू करिए। और मैं ये भी बता दूं कि शुरू शुरू के 2-3 साल में तो ये है सब तजर्बा, इसमें मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं आधे मन से कर रहा हूँ और साहब मैं कुछ और भी काम करूँगा, नहीं आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, आप गांठ बांध लीजिए कि मुझे यही करना है, क्योंकि आपको उसमें इतना धन मिल जाएगा कि धन आपको किसी और में नहीं मिलेगा, और फिर हमारा लगाव भी होता है जानवरों से।
और फिर इसमें यही है कि आप जो है अच्छे अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले लीजिए, उसको बात को समझिए। उसके लिए हम लोग मास्टर रहे और हम तो डॉक्टर कहते भी नहीं अपने को, हम तो प्रोफेसर है। और हम जो है तब से है, सन 60 से ही इस कमरे में है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी क्रांति आ गई है सोलन सीमेंट आ जाने की वजह से। और अगर आप इसमें सुचारू रूप से चलेंगे और अपने आप कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट का वो रखेंगे और गवर्नमेंट से सहायता लेंगे, तो इसमें काफ़ी लोन्स वोन्स भी है, लेडीज को भी लोन्स है। तो आप ये समझिए कि ये बनना है, इसमें आप छोड़ के नहीं जा सकते। सुबह शाम आपको रहना है 2 घंटे, बीच में भी कैसा भैंस बच्चा गिरा दिया, भैंस बीच में आ गई, गाय बीच में आ गई, या गाय जो है वो बीमार हो गई, कुछ भी हो सकता है। 10 गायों में हैं, मेरे पास तो 8 जानवर हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है दोपहर को, और उधर नौकर ने पानी नहीं पिलाया। तो इसमें इसकी हाउसिंग जरूरी है, इसकी हाउसिंग जरूरी है, और इसकी फीडिंग, हाउसिंग और फीडिंग, और इसका मैनेजमेंट और इसका रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। और नेट पे हमारे वीडियो हैं, करीब 1200 के करीब वीडियो हैं, और करीब आपके 4 मिलियन व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं। तो आप वीडियो देखिए, हमारे वीडियो देख के आप कर सकते हैं। यदि अगर आप मुझसे कभी भी फ़ोन करेंगे तो आप करिए फोन, फोन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक के फ़ोन का जवाब देता हूँ और कोई शुल्क नहीं है उसका। और प्रदीप जी और हर स्टेट में हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, जैसे झारखंड में भी है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, कश्मीर में भी है। अब देखिए कश्मीर की बात आई तो मैं आपको ये बताऊँ, जो है अपने सर से कश्मीर गाय ले जाते हैं वो ज़्यादा दूध देने लगती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। आजकल जो गाय ले जाएंगे कश्मीर में साइलेज भी वहाँ से जाता है और वो 8 रुपये किलो पड़ता है, पर उसमें भी वो खुश है। अब जैसे बिहार में ले जाते हैं आजकल, तो वहाँ गर्मी इतनी पड़ती है कि वहाँ पर डेयरी फेल हो जाएगी। बिहार में, आसाम में, जितना भी नॉर्थ ईस्ट है सब में मतलब ऐसा ही है बंगाल की तरह। पर मिल्क की डिमांड तो बढ़ती जा रही है वहाँ पे। एक तो AI जो है 10% होती है पंजाब में, वो पंजाब वो बंगाल में, और पंजाब में 100% AI, 100% 90% काउ में AI होती है। तो दूध का जहाँ तक आप देखिए, मतलब ईस्टर्न इंडिया में, और मैं नागालैंड वगैरह में देख रहा था, वहाँ पे लोग 50 ml दूध पीते हैं, और ज़्यादा देखते रहते हैं मछली बत्तख। और आप पंजाब में रहिए तो वहाँ उनको 1.25 लीटर दूध चाहिए, हरियाणा में 1 लीटर चाहिए, यूपी में करीब 500-600 ml रोज चाहिए, राजस्थान में भी ऐसा ही है, गुजरात में भी ऐसा ही है। तो ये नहीं है कि सब दान 27 से, ऐसा नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा कहाँ है आप और मिल्क मार्केटिंग आप कैसे कर रहे हैं, और आपके पास वेटरनरी में कुछ ज्ञान है या नहीं है। क्योंकि जब तक आप अगर मान ली यूनिवर्सिटी के पास हैं या ऐसे फार्मर्स के बीच में हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जैसे पंजाब है या कोई यूनिवर्सिटी उसके पास है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अन्यथा मवेशिया थलेरिया और ये जो है वैक्सीनेशन और इसकी डिवर्मिंग का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप काफ़ी झंझट में पड़ जाएंगे। झंझट में क्या पड़ जाएंगे, मतलब आप पैसा आपका ले लूँगा। तो मैंने यही बताया कि आजकल ये हो रहा है कि लोग काफ़ी करोड़ रुपया लगा के पंजाब से गाय ही नहीं ला रहे हैं, पंजाब से लेबर भी ला रहे हैं, साइलेज भी ला रहे हैं, ला नहीं रहे, लेबर खुद ही चलाता है कि बाबूजी हमको भी ले चल, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहते हैं, घर रहना चाहते हैं, और उनको अपने देश में अच्छा लगता है। तो यही हाल बॉम्बे का है। जो लोग मैं महाराष्ट्र से काफ़ी ट्रेनिंग देता हूँ महाराष्ट्र में, वो कह रहे थे पहले बॉम्बे चले जाते थे लोग, भैया तो जब से कोविड ओविड हो गया तब से लोग गाय पालने शुरू, 40 रुपये। अच्छा वहाँ तो बैल भी पालते हैं, वो खिलार कर जो बैल है उसकी रेस करते हैं, तो वहाँ पे मेल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में वहाँ पे भी बैल से खेती होती है। तो हिंदुस्तान विविधता वाला देश है, पर मैंने बताया कि दूध पर ना तो रुकना नहीं है, दूध का कन्जम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, और इसमें गायों का विशेष रोल है। हमारे यहाँ करीब 150 मिलियन तो भैंस है और करीब 200 मिलियन गाय है, इसमें से 20% गाय जो है वो क्रॉसब्रेड है और वही दूध में वो कर रही है। अब अभी का रिसेंट का रिकॉर्ड ये है कि 72 लीटर दूध दिया है, और 30-40 लीटर दूध देने वाली तो गाय बहुत है। आपकी तरह गाय ने कितने दिया 30 लीटर? मेरी गाय जो 32 लीटर दूध, मेरी गाय 32 लीटर दूध दे रही है। क्या भाव बेचते हैं आप? 55 रुपये।
50 से भी 32 लीटर का मतलब 1,000-1,500 का दूध दे देती है रोज, ठीक है, बैठे बैठे तो उतना से 600-700 रुपए चली, 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होते, लेबर वेबर तो 3200 एक गाय दे रही है ना, तो आप वो जो है 500 रुपए के 1,000 रुपए हो रहे शाम तक, तो ये कहना कि साहब इसमें नहीं है कुछ और ये तो जो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं और जो इसमें आईटी और इसमें बच्चा खा गए के साथ नौकरी से निकाल दिया, उनके दिमाग में आ रहा है। एक लड़के का मेरे पास फोन आया था, वो कह रहा था साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आईटी में था वहाँ पर गुड़गांव में, तो मैं नौकरी छोड़ कर नहीं आया हूँ, मुझको निकाल दिया है, कह रहा था कि मुझको निकाल दिया है। और वो ये भी बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देंगे, 5 लाख दे देंगे, फिर 2-3 लाख पर ईयर से ज़्यादा कोई देता नहीं है, शुरू शुरू में तो इतना ही प्रेशर को इतना, अब मान लिया आपको 5-6 लाख मिल भी रहे पर वह तलवार पर अटकती रहती है कि किस दिन आपको हरी झंडी कर देंगे, अभी गूगल गूगल रहे तो सब निकाल रहे, US में भी निकाल रहे सारे, अब वो क्या करेंगे आके। तो और जहाँ तक भारतवर्ष में कंप्यूटर की वो है, आप 15-20 हज़ार दीजिए आपको कंप्यूटर पर काम करने वाला लड़का या लड़की मिल जाएगी, कोई उसमें ऐसी कोई खास वो नहीं है, और आप पता डेयरी में ग्वाला रखा जाते हो वो भी उतना ही पैसा देगा और उसकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, अगर वो एक वक्त नहीं आया तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, कंप्यूटर वाला नहीं आया तो उससे आपका कुछ नहीं होगा, तो आप इसके ट्रेंड को समझिए और मतलब बेसलाइन अपनी कुछ ना कुछ बनाइए, आपको रिटायर भी होना है, आपको परिवार को अच्छा न्यूट्रिशन भी देना है, आपको जो जॉब एम्प्लॉयमेंट भी देना है, कोई ज़रूरी थोड़ी में सभी नौकरी करेंगे, आपको 50,000 रुपये घर बैठे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और घर पर रहिए। दूसरे सवाल ये भी है कि लोगों के पास लैंड है, अगर वो अपनी लैंड पे लौट के नहीं आते तो उनका भाई जो है उनकी लैंड कब्जा कर लेगा, ये भी इसमें सबसे बहुत बड़ा इशू है, इसलिए वो मोबाइल आ जाने की वजह से, रोड आ जाने की वजह से, कार आ जाने की वजह से वो अपने परिवार में अपनी लैंड पर काबू करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा इशू, इसको कोई कहता नहीं है पर वास्तविकता यही है, पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है, चाहे आप इंग्लैंड को देख लीजिए, चाहे आप USA को देख लीजिए, ये सब बैक टू दी पवेलियन हो रहा है, सब अपनी लैंड पे जाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि सिटीज में इनसिक्योरिटी है, खाना ठीक नहीं मिलता और फास्ट फूड वगैरह रोग हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी की वजह है, और दूसरी हाउसिंग बहुत कॉस्टली है, गाँव में हाउसिंग बहुत कॉस्टली नहीं, आपके हरिद्वार में 10,000 में मिल जाता है मकान, मिल जाता है, हाँ 10,000 तो लिमिट है, आप 5,000 में मिल जाएगा, पर आप बॉम्बे दिल्ली में तो 5,000 में कुछ सोच भी नहीं सकते, वहाँ तो 25,000-30,000, हमारे एक ब्रदर है वो बता रहे थे हमारी लड़कियों की नौकरी मिल गई है लग गई है, तो उसने कहा कि कह रहे थे 50,000 देते हैं उसको, फिर बाद कह रहे थे 18,000 वो मकान का किराया देते और फिर इनसिक्योरिटी भी है, अभी इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा है, और फिर मतलब हर एक चीज में अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए लौट के बुद्धू घर को आए, सबसे अच्छा ये है कि आप जो है इंटेलिजेंट आदमी है, आप वो लगा के उसको आपकी बेसलाइन बन जाए, फिर आप उसमें लगे रहिए, आपके बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, आपके समाज में भी वो होगा, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे सब प्रोफेसर और IAS रहते हैं, तो हमने उनको गिफ्ट में कांच की बॉटल में मिल्क सप्लाई कर दिया, अपना स्कूल और ट्रांसफर और ट्रेनिंग सेंटर था, तो दोस्तों पीछे पड़ गए, डॉक्टर को सप्लाई किया खरीदा, और दे आर अप्रिशिएटिंग वेरी मच, और उसका कोई पैसे की बात ही नहीं है, और उनसे वो पूछे लगे, हमारे घर में पूछे इनसे क्या पैसा बना, मैंने इनसे कुछ पैसा बताया, ये जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि ये ग्वालियर से दूध लेते हैं तो ये 65 रुपये देते हैं, अब ये उससे ज़्यादा ही देंगे या उतना भी देंगे, अब आप 50 रुपये कह दो तो आप नुकसान में रहोगे, तो वो तो एक क्लास है क्या भूखे मर रहे नंगे मर रहे, और ऐसी क्लास भी है जिसको जो फ्रेश और कांच की बोतल में दूध चाहती है, वो नहीं चाहते कि उनको कैंसर हो, और वो हम जो है रखा जो और दूध मार्केट में आता है वो 5 दिन का रखा हुआ था, हमारा तो दूध जो जाता है वो 5 घंटे का भी नहीं होता, तो वो तो और फिर उसका कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग,
जो पुराने लोग हैं उनने असली दूध पिया है तो वो तो जानते हैं कि ये ग्वाले का दूध कैसा होता है या ये पाउच का दूध कैसा होता है। तो दुनिया बदल रही है बड़ी तेजी से। ये तो आपका नजरिया है, आप क्या सोच रहे हैं। अब ये हमारे प्रदीप जी यहाँ आए थे डेयरी के लिए, अब इनकी इच्छा बन रही है कि डेयरी का स्कूल ही खोलेंगे और ये खोल लेंगे। अभी तुम्हारी एज कितनी है? मेरी 38 है। 38 है तो अभी तो इनके 40 साल और पड़े तो ये देखिए। जैसे राय बरेली है, राय बरेली के एक तरफ तो हो गया बनारस, एक तरफ इलाहाबाद, एक तरफ लखनऊ और एक तरफ कानपुर। तो वो तो इतना बड़ा वहाँ पे है कि वहाँ तो दूध की वो कमी होनी नहीं है। इसी तरह हरिद्वार है, हरिद्वार में तो एकदम 10 लाख आदमी आ गए। हर चाय पी तो दूध की वहाँ तो किल्लत हो जाती होगी। दूध की होती है या नहीं होती है? तो जो जैसे मथुरा है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, इसमें तो जिस वक्त स्नान होता है तो आपको दूध कहीं मिलेगा ही। और फिर लोग अब सच्चे है या गलत है कुछ पता नहीं, मतलब लोग इससे भी डरते हैं कि साहब सिंथेटिक मिल्क तो नहीं है। और मुझे मालूम नहीं है पर होता होगा सिंथेटिक मिल्क। तो इसलिए आप इससे निश्चिंत रहिए कि आप अपनी ज़मीन पर काबू करिए, आप मतलब स्वच्छ वातावरण में रहिए, आप वेजिटेबल उगाइए, आप मुर्गी पालिए। और पंजाब में तो ऐसा हो रहा है कि उन्होंने फार्म हाउस स्टे का खोल रखा है कि आप आइए, आप मतलब आपको गाय पालना, मुर्गी पालना, सब्जी उगाना बताएंगे और वो 4-5 हज़ार रुपये रोज कर लेंगे। तो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं उसको, क्योंकि आप अपने आप ही सब्जी तोड़िए, सब्जी बनाइए, होटल टाइप है। तो उसमें उत्तराखंड में भी यही हो रहा है कि तो आप होम स्टे पहाड़ी उसका आनंद लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो वहाँ जब तक आपको एग्स और दूध नहीं मिलेगा तो वहाँ करेंगे क्या? थोड़ी बतख पाल ली, थोड़ी कुत्ते पाल लिए, थोड़ा ये कर लिया। तो ये बैक टू दी पवेलियन हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। जो लोग धक्के खा कर, मेरे पास पायलट्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, ह्यूमन डॉक्टर्स भी आते हैं और इंडस्ट्रियल्स भी आते हैं। ऐसा हम इसको खोल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप जितनी भी अर्न कर रहे हैं आपकी अर्निंग को कोई सर्टिफाई नहीं कर सकता, आप कितने भी अर्न कर लीजिए। और मेरी गाय 20 लीटर दूध दे रही है तब भी मैं 5 लीटर दिखा सकता हूँ। और मेरी गाय 50 लीटर दे रही है तब भी मैं कहूँ तो मर गया था। पर ऐसा है कि अगर आप इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमसे प्रदीप जी से आप पूछिए, पूछने का कोई चार्ज नहीं। अगर आप इसमें कोई विशेष वो लेना चाहते हैं ट्रेनिंग तो हमारे 5 दिन का कोर्स है, हरिद्वार में भी आपको करेंगे। गंगा भी नहाइए और ट्रेनिंग भी लीजिए और यहाँ देहरादून आ जाइए, यहाँ बहुत अच्छा वातावरण रहता है। तो इसी के साथ वार्ता में समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप प्रोत्साहित हुए होंगे इस टॉक से और आप इस बारे में कुछ सोचें। अगला बार बार सोचेंगे तो आप कुछ ना कुछ कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।